हेलो गाइस, आज हम इस कांच की बोतल को फोड़ने वाले हैं, किसी पत्थर से नहीं, किसी हथौड़े से नहीं, बल्कि अपने इस 2.5 किलो के हाथ से। तो आज हम जिस ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं उसको कहा जाता है बोतल बस्टिंग ट्रिक। तो उस ट्रिक में होता क्या है कि इस कांच की बोतल को यहाँ तक पानी से भर दिया जाता है और उसके बाद इस हाथ में इस तरीके से बोतल को पकड़ा जाता है और दूसरे हाथ से इस बोतल पर इस ऐसे ज़ोर से मारा जाता है तो ये जो बोतल है यहाँ से टूट करके बिखर जाती है। तो क्या ये ट्रिक सच में इस तरीके से काम करती है, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलो इस बोतल को यहाँ तक पानी से भरते हैं और उसके बाद इस बोतल पर ऐसे ज़ोर से एक थप्पड़ मारते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या बोतल टूटती है या फिर नहीं। तो गाइस, हमने इस बोतल को यहाँ तक पानी से भर लिया है और मैंने दूसरा हाथ में ग्लव्स भी पहना है ताकि मैं इस बोतल को पकड़ने के बाद जब उसे मारूंगा और अगर ये बोतल टूटती है तो मेरे इस हाथ में कोई चोट नहीं आए। तो चलो अब हम इसे ट्राई करते हैं। ओके, 3, 2, 1। ओहो, लगती है यार, काफ़ी ज़ोर से लगती है। चलो वापस से ट्राई करते हैं, लगेगी तो सही। ओके, तो गाइस यार मैंने 5-6 बार मारी है, अभी तक ये बोतल फूटी नहीं है, पर मेरा हाथ जरूर फूट गया है। देखो हाथ लाल हो गया है, लेकिन आज इसे फोड़ना ही है, कैसे ना कैसे तो फूटेगी। बजरंग भाई तोड़ दे इस बोतल की नली। तो गाइस हमारी बोतल टूट गई है। मैं पहले बोतल के मुंह पर अपनी हथेली के बीच में से मार रहा था लेकिन बोतल नहीं टूट रही थी, तो मैंने अपने हाथ के इस मुट्ठे से बोतल पे जोर से मारा तो बोतल टूट गई थी। तो अब बात करते हैं कि हमारी बोतल टूटी कैसे। तो देखो, जब हम हाथ से इस बोतल को ऐसे मारते हैं तो बाहर की हवा अंदर जाती है और अंदर एक प्रेशर क्रिएट करती है जिसके कारण नीचे की तरफ एक वैक्यूम बनता है और उसी के कारण ये बोतल फूट करके नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों, आप इस ट्रिक से अपने दोस्तों को भी एंटरटेन कर सकते हो, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको अपने हाथ को थोड़ा सा दुख तो देना पड़ेगा। तो हमने इस ट्रिक से बोतल को फोड़ने के कुछ और शॉर्ट्स भी लिए, तो आप उन शॉर्ट्स को देखो। तब तक हम कोई और दूसरी वीडियो बनाते हैं।